कल्याण सिंह सुपर स्पेशलिटी कैंसर संस्थान, देख रहे होगा इसकी। गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस आज हमारा जो प्लान है ना, मैं जा रहा हूँ गाइस लखनऊ पापा को लेके। पापा की तबीयत थोड़ी ज्यादा खराब है, तो मैं पापा मम्मी जा रहे लखनऊ पापा को, क्योंकि वहां पे ट्रीटमेंट चल रहा था जैसे मैंने आपको मिनी ब्लॉग में बताया था। तो अभी तो फिलहाल सुबह के बज रहे 6:30 बजे का ट्रेन है, तो अब निकलना बज रहा 6, तो अब निकलना है। और ब्रेकफास्ट में सिर्फ अपना दलिया ले रहे हैं, तो दिखाना भी जरूरी है क्योंकि अपॉइंटमेंट आज फ्राइडे है, तो दिखाना जरूरी है बहुत ज्यादा, और तबीयत ज्यादा खराब है। तो चलो फटाफट मैं आपको रेडी होके मिलता हूँ। पापा देखो पीछे आ रहे हैं और बहुत जल्दी जल्दी भागे हैं, बहुत जल्दी जल्दी यार। सुबह 5 बजे का उठा फिर भी ऐसा लग रहा लेट हो गए। दो ट्रेन है, दोनों में से कोई भी पकड़ लेंगे। 6:30 बजे, 5 मिनट का डिफरेंस है दोनों में। 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे आ रही, वरना 3 पे आती है। ये मम्मी आ रही धीरे धीरे टुकुर टुकुर, और पापा देखो लाइट बंद हो गई, अब नहीं दिखेंगे पापा। वो आ रहे हैं, ये आ रहे धीरे धीरे। ट्रेन तो गाइस टाइम पे मिल गई, लेकिन रिजर्वेशन में बैठ गया मैं, क्योंकि जनरल में बहुत तगड़ी वाली भीड़ हो रही थी। मम्मी पापा को उस साइड बैठा दिया, मैं इस साइड बैठ गया। सुबह का समय है ना, तो अभी सब लोग सो रहे हैं, तो आराम से बैठ गए, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, क्योंकि टाइम पे पहुंचना बहुत जरूरी है आज। तो बैठ गए रिजर्वेशन में, आप थोड़ा इलीगल कर रहे हैं भाई, तो आप लोग मत करिएगा, इमरजेंसी में करना पड़ता है। चलो लखनऊ पहुँच के मिलेंगे। भीड़ दिखाता हूँ आपको, रिजर्वेशन में भी कितनी भीड़ है, सब लोग कैसे लटक लटक के बैठे हैं। एक सीट पे दो दो तीन तीन लोग बैठे हैं, बड़ी वाली सीट पे तो 6-6 लोग बैठे हैं। उस साइड भी देखो, इस साइड भी देखो। पहुंच गए हम लोग गाइस, अब यहां से स्टेशन के बाहर चलेंगे, रैपिडो बुक करेंगे, डायरेक्ट कैब छोटी कैब बुक करेंगे, डायरेक्ट हॉस्पिटल पहुंचेंगे यहाँ से, क्योंकि 9 बजे से वहाँ पर्चे कटने लगते हैं, तो वहाँ पे टाइम ना लगे तो थोड़ा जल्दी जाना होगा। सुबह सुबह लखनऊ आने का ये भी फायदा है गाइस कि ट्रैफिक बिल्कुल नहीं मिलता है, और आराम से अपनी कैब बुक करी और सीधे रास्ते, मतलब खाली रोड है बिल्कुल, और आराम से अपने टाइम पे पहुंच जाएंगे, तो कोई टाइम नहीं लगेगा, डायरेक्ट हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे। ये फायदा हो जाता है, वरना दोपहर वगैरह में तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो जाती है ना भैया, दोपहर में तो एकदम हालत ख़राब हो जाती है। बाकी ब्रेकफास्ट वगैरह तो सुबह ही थोड़ा बहुत किया था, दिखाया भी था आपको मैंने, दलिया और दूध खाया था बस। वहाँ पे जब पर्चा वगैरह कटवा लेंगे, नंबर अपना ले लेंगे, फिर उसके बाद कुछ हल्का बहुत खाएंगे। कर्नाटा रोड है, मैं आपको दिखाता हूँ, खाली रोड है, कोई भी ट्रैफिक नहीं है, ये देखो बिल्कुल खाली रोड। फाइनली पहुंच गए हॉस्पिटल, आगे वाले गेट पे भैया, आगे वाले गेट स्टार्ट हो गया, पूरा हॉस्पिटल स्टार्ट हो गया। ये ओपीडी है गाइस, और यहीं पे पर्चा तो मेरा कट गया है, अब बस नंबर लगवाना है, और मम्मी पापा बाहर बैठे हैं, कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह करेंगे और फटाफट काम करवाना है यार। ये देखो यहाँ पे फैसिलिटीज मेरे को अच्छी लगी, लिफ्ट से सीधे ऊपर जाओ और लिफ्ट से सीधे नीचे आओ। चलो
हेलो गाइस, नंबर तो लगवा दिया, नंबर जल्दी आ जाएगा, 10:30 बजे आ जाएगा। तो ये तो टेंशन फ्री हो गया अब हम। और मेरे पीछे आप देख रहे हो हॉस्पिटल, कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, इस साइड दोनों साइड काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल है। तो चलो नंबर जल्दी आ जाएगा, अब थोड़ा टेंशन फ्री हो गए। देखो पापा लेटे हुए आराम से रेस्ट कर रहे हैं, मम्मी खाना निकाल रही है, तो अब थोड़ा ब्रेकफास्ट वगैरह करेंगे, क्योंकि सुबह सिर्फ नॉर्मल सा दलिया खा के चले थे, खाना खा लेते हैं। थोड़ा टाइम अभी लग जाएगा, 10:30 बज जाएगा, 10:30-11 भी बज सकता है, वैसे शाम तो हो जाएगी घर जाते जाते, ये तो कन्फर्म है। खाने पीने में देखते हैं, सब्जी रोटी खाएंगे थोड़ा। और ये चीज़ है गाइस, तबीयत तो पापा की 5-6 महीने से ख़राब है, आप लोग को पता भी होगा, बट कोशिश कर सकते हैं हम लोग, बाकी ऊपर वाले के हाथ में है क्या वो क्या चाहते हैं क्या नहीं, तो हम लोग पूरा कोशिश तो गाइस पूरी कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग को मैंने बता के भी रखा, पिछले 5-6 महीने से ट्रीटमेंट चल ही रहा है पापा का, तो सब ठीक ही है। थोड़ी बहुत दिक्कत परेशानी 1-2 दिन से पापा को लग रही थी, थोड़ा इनको खाने पीने में दिक्कत हो रही थी, तो वही मैंने इमरजेंसी में तुरंत भाग के आगे मैंने कहा डॉक्टर को दिखाना काफ़ी ज़रूरी है। तो चलो फिलहाल अपना ब्रेकफास्ट वगैरह करते हैं। अब देखो भीड़ धीरे धीरे चालू हो रही, सब लोग बैठे हुए हैं, सब लोग। दो रोटी खाएंगे, बढ़िया। चने की सब्जी हो गई, 2 मिर्चे, रोटी। आपको मिनी व्लॉग में मैंने दिखाया था ना, मेवा घर पे बना था लड्डू, तो मेवे के लड्डू ये भी लेके आए थे खाना। ये पापा की डाइटिंग है, इस पापा के लिए अनार का जूस भी लेने आए, तो ये बढ़िया हो गया, हॉस्पिटल के बाहर ही अनार का जूस भी अवेलेबल हो जा रहा है, तो जूस 1 गिलास पापा के लिए करवा देंगे, क्योंकि उनको वीकनेस काफ़ी लग रही है, तो जूस पियेंगे तो थोड़ा एनर्जी फील करेंगे। ये अनार पड़ा मशीन पे, अब जूस निकलेगा बढ़िया। जूस पैक हो गया, कल्याण सिंह सुपर स्पेशलिटी कैंसर संस्थान, देख रहे हो गाइस कितना प्यारा हॉस्पिटल है। और ये इनकी मूर्ति यहीं पे है विराजमान, कितनी प्यारी मूर्ति लग रही है देखो। ये ओटी ब्लॉक है, ये रेडियोलॉजी है साइड में, और उस साइड में रेडिएशन है जो लास्ट वाली बिल्डिंग दिख रही है। गाइस अभी भी 1 घंटा बाकी है नंबर आने पे, तो मैं साइड पे होके एकदम कॉर्नर पे आके वीडियो बना रहा हूँ, आप लोग देख ही पा रहे होंगे पीछे खाली पड़ा है सब, तो मैं साइड में आके मैं यही चीज़ कहना चाहता हूँ गाइस के मतलब पापा की तबीयत तो ख़राब है, मैं थोड़ा नर्वस भी हूँ, थोड़ा अंदर से अच्छा भी नहीं लग रहा, बट क्या कर सकते हैं, कुछ कर भी नहीं सकते, अपने हाथ में जितना है हम लोग उतना कर सकते हैं कोशिश में। पिछले 6 महीने से पापा का ट्रीटमेंट भी चल रहा है, तो आराम भी हुआ था, अब 2 दिन से उन्हें तकलीफ़ ज़्यादा हो रही है, जैसे कि थोड़ा उन्हें कमजोरी सी वीकनेस लग रही है पूरी बॉडी में, तो मैंने कहा मैं रिस्क नहीं ले सकता, इसीलिए मैं कुछ सोचे समझे डायरेक्टली पापा को हॉस्पिटल लेके आ गया। मैंने कहा डॉक्टर को दिखाएंगे, देखते हैं डॉक्टर क्या बताते हैं क्या नहीं, वो भी आप लोग के साथ शेयर करेंगे। 10 दिन जो मैंने बीच में ब्लॉग नहीं बनाया था, वो यही रीज़न था गाइस कि मैं पापा की तबीयत ज़्यादा ख़राब थी, थोड़ा मेरा ध्यान इधर इधर भाग रहा था, तो मैं आप लोगों को भी शेयर नहीं कर पाया, बट मैंने अब सोचा ना, मैंने आपको लास्ट में जैसे बताया था कि अब व्लॉग अपने शेयर करूँगा आपके साथ में, जो भी मेरी लाइफ में जो भी रूटीन चल रहा होगा, तो यही रूटीन अभी चल रहा है, क्योंकि वर्कआउट वगैरह तो अभी चल नहीं रहा है, आप लोग को पता ही है यही रीज़न है, तो क्योंकि ट्रीटमेंट ज़्यादा ज़रूरी है, सीधी सी बात है सबके लिए, यही चीज़ जो होती है कि पापा का ट्रीटमेंट सबसे पहले ज़रूरी है, तो ट्रीटमेंट अपना करवा लेंगे, और उम्मीद भी लग रही है कि ठीक हो जाएंगे, रिकवरी भी पापा की हो जाएगी, कोशिश अपनी जारी है पूरी, बाकी आप लोग भी प्यार बना के रखिएगा, बाकी ऊपर वाले का आशीर्वाद रहा तो ज़रूर पापा भी ठीक हो जाएंगे। तो इस वजह से गाइस थोड़ा पापा की आवाज़ में भी चेंज हुआ है, तो मैं आपको दिखा नहीं रहा हूँ पापा को मतलब बोल के, क्योंकि उनकी आवाज़ थोड़ी कम हो गई है, मतलब थोड़ी चेंज हो गई एकदम, जैसे गला बैठ जाता है ना, तो वो वाला सीन हो गया है, तो इस वजह से मैं आप लोग को पूरा तरीके से दिखा भी नहीं पा रहा हूँ, ना पापा से मिलवा पा रहा हूँ, बट हाँ उम्मीद करेंगे पूरी कि हाँ रिकवरी जैसे होगी, थोड़ा चेंज होगा, तबीयत ठीक होगी, तो मैं आप लोग को ज़रूर पापा से भी मिलवाऊंगा, पापा से भी बात करवाऊंगा, मैं तो उसी उम्मीद में हूँ, नर्वस भी हूँ, लेकिन नर्वस करके कुछ भी हासिल नहीं होने वाला, सीधी सी बात है, तो अपने आप में
एक मोटिवेशन के साथ, एक कहते हो ना एक मतलब हिम्मत लेके, एक साहस लेके, तो वही चीज़ है, ठीक हो जाएंगे पापा। तो मैंने सोचा आप लोग से थोड़ी बात शेयर करूँ तो मुझे भी अच्छा लगेगा, बिकॉज़ मम्मी पापा से तो मैं इतनी बात शेयर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि उन लोग को थोड़ी परेशानी हो जाती है, तो मैं इसी वजह से अपने आप से और आप लोग से शेयर कर लेता हूँ। तो चलो नंबर आने भी वाला होगा अभी एक घंटे बाद, तो अंदर जाके एक बार फिर से देख के आएंगे, बाकी थोड़ी देर बाद आपसे मिलेंगे। मैं भी देख रहा हूँ एक्सपीरियंस कई चीज़ कैसे कटती है ऐसे है। यार चल तो रही, नहीं सेट नहीं कर पाऊंगी ना। हाँ सेट नहीं कर पाए यार, चल रही बट सेट नहीं कर पाऊंगा भैया, हमारे बस का काम नहीं है। ये काटने दो था, ये वाला काट दो, मुझे नहीं काटा, बढ़िया लगा यार, देखो ऐसे चल, ये देखो कैसे एक्सपीरियंस बोलता है भाई, एक्सपीरियंस भैया बहुत बात है भाई। अभी एक घंटा टाइम आने में है तो मैं सोचा कुछ ना कुछ टाइम पास ही हो जाए ना भैया। गाइस हॉस्पिटल के बाहर आ गए और पूरे 5.5 घंटे लग गए हम लोग को, और मैं चाय पीने के लिए आया हूँ। अब 5.5 घंटे डॉक्टर ने देख तो लिया, सब कुछ कर दिया, और आपको मैं टाइमिंग भी दिखा दूँ, 3 बज रहा है इस समय, आप लोग देख पा रहे होंगे, स्क्रीन थोड़ी फूटी है, मैनेज करिएगा। 3 बज रहा है, 3:02 हो रहा है, अभी भी आधा एक घंटा लग जाएगा, और शाम को ट्रेन भी है, 5 बजे से स्टार्टिंग है, 3-4 टिकट ट्रेन मिल जाएगी, ट्रेन की दिक्कत नहीं है, बट यहाँ से फ्री हो जाए, खैर डॉक्टर से बात हो गई, ट्रीटमेंट सही हो जाएगा पापा का, कोई टेंशन वाली बात है नहीं, बट ट्रीटमेंट अच्छा हो जाए बस यही चीज़ चाह रहा हूँ मैं। और थकान तो आप लोग खुलिया देख के मेरा समझ ही रहे होंगे, चाय पीने का रीजन ही यही है, थकान बहुत ज़्यादा लग रही है। और हॉस्पिटल के बाहर ही यहाँ पर पूरी है सब सारी दुकानें हैं, तो कहीं जाने का भी, कहीं दूर जाने का कोई मतलब नहीं है, तो यहीं पे अपना चाय पी लेंगे। और अभी CBC भी जांच पापा की हुई थी तो वो भी क्लियर हो गई काफ़ी अच्छा, उसमें उनका रिस्पांस भी आया जो डॉक्टर ने बताया, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, रेडिएशन होगा बट वो आगे चल के होगा, आई थिंक होली के बाद, आई थिंक डेट थोड़ा ज़्यादा मिलेगा, बट देखेंगे, रिक्वेस्ट करके थोड़ा जल्दी दें। तो चलो फिलहाल अपनी चाय कंप्लीट करते हैं और फिर मैं आपसे डायरेक्टली फिर थोड़े टाइम के ही बाद मिलूंगा, क्योंकि हॉस्पिटल में वीडियो इतना शूट करना अलाउड नहीं होता, और मेरे को भी नहीं अच्छा लगता है क्योंकि सब पेशेंट लोग होते हैं ना, इसी वजह से। हॉस्पिटल के जस्ट सामने ही खाने पीने की सारी व्यवस्था है, मेरे पीछे आप लोग देख पा रहे होंगे देखो, और मैं दिखाता हूँ उस साइड का व्यू जो पूरा हॉस्पिटल बना हुआ है, तो वो भी आप लोग देख लीजिए, ये पूरा हॉस्पिटल की बिल्डिंग है पूरी, ये देखिए है पूरी, और इसी के सामने ही ये खाने पीने वाला मटेरियल। हॉस्पिटल में जब आओ ना 5-6 घंटे लग जाते, पता ही नहीं चलता है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है ना इसीलिए, बट कोई नहीं, काम होना चाहिए अपना। कैब बुक हो गई, गाइस फाइनली दवा वगैरह तो सब मिल गई है, और टाइम हो गया है 5:39, देख पा रहे होंगे आप लोग, 5:39 मतलब शाम हो गई है, और हमारी ट्रेन है ना 7 बजे है, दून एक्सप्रेस, वो लेट आ रही है, अच्छी बात हो गई, तो टाइम पे घर पहुंच जाएंगे। कैब बुक कर लेती तो ये ज़्यादा आसान पड़ जाता हॉस्पिटल से स्टेशन जाने के लिए, और स्टेशन से हॉस्पिटल, तो इसमें काफ़ी आराम मिल जाता है। खैर दवा वगैरह डॉक्टर ने दे दी, मंडे को फिर से बुलाया है क्योंकि अब रेडिएशन की तैयारी करेंगे डॉक्टर साहब, तो मंडे को जो काम होगा ना, वो जो उसमें जो मेरे को इतनी जानकारी तो खैर है नहीं, नकाब वगैरह जो बनता है चेहरे का, जहाँ पे वो सॉइलिंग वगैरह होती है, वो जगह छूट जाती है, तो डॉक्टर ने बताया रेडिएशन की तैयारी होगी अब, तो चलो सब अच्छा ही होगा, दवा वगैरह सब ले ली, खैर रिलीफ भी पापा को मिल गया, दवा वगैरह दी थी, तो अब चलते हैं घर, पहुँच के मिलेंगे आपसे, बाकी ट्रेन फिर पकड़नी पड़ेगी। तो आज सुबह से तो हाल आप ही लोग देख रहे होंगे, पूरा दिन हॉस्पिटल में निकल गया, शाम के मतलब सुबह घर से निकले थे 6 बजे के, और शाम को 5:40 हो रहा, मतलब अभी तक हम लोग घर पे अगर पहुंचेंगे 7-7:30 बजे ट्रेन है ना, तो 9:10-10:30 आराम से बच जाएगा, बाकी तो मैं आपको चल के ही दिखा भी दूंगा टाइम कितने बजे पहुंचेंगे। तो चलो थोड़ा रिलीफ मिला यार, पापा को दिखा दिया वरना टेंशन हो रहा था दिमाग में, तो चलो स्टेशन पहुँच के आपसे मिलते हैं। खंबे पे गाइस तितली लगी है, बटरफ्लाई देखो कितनी प्यारी लग रही है, सब में लाइट चल रही है, देखो कितनी प्यारी लग रही है, देखो कितनी प्यारी लग रही है गाइस, देखो सारी बटरफ्लाई है, सनसेट भी बढ़िया हो रहा।
फाइनली गाइस स्टेशन पहुंच गए और ट्रेन भी टाइम पे है, लेट नहीं है, ये अच्छी बात है। प्लेटफॉर्म 4 पे जाना है और पीछे देख लो पूरा जीना चढ़ के आना पड़ रहा है और सामान हाथ में पकड़ा हुआ है मैंने। चलो प्लेटफॉर्म 4 पे मिलते हैं आपसे। गाड़ी संख्या 1 2 3 7 0 देहरादून से आने वाली कुंभा एक्सप्रेस। फाइनली स्टेशन पहुंच गए, रिक्शा भी मिल गया। गाइस सुबह 6 बजे निकले थे और टाइम देखो 12 बजने वाले हैं रात के, और वो भी 10 मिनट बचा है। पूरा गाइस 18 घंटे का सफर, मतलब हॉस्पिटल जाना आना, वहाँ पे जितना डॉक्टर का वेट किया, मतलब दिमाग खराब हो गया, पूरी बॉडी इतनी थकान में लग रही, मैं तो बता नहीं सकता आपको कुछ। खाने में तो भूख तो लग नहीं रही, सिर्फ एक कप मैंने मिल्क ले लिया और 2 रस निकाल लिए, सिर्फ यही खाएंगे रात में। तो व्लॉग की तो गाइस एंडिंग करनी है क्योंकि सुबह जहाँ से चालू किया था फिर वहीं पे आ गए जगह पे, तो इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करूँगा। बाकी पापा की तबीयत कैसी है कैसी नहीं है तो वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में आपको देखने की ज़रूर मिलेगी, क्योंकि मंडे को भी मेरे को जाना ही पड़ेगा, आप लोग को बता चुका हूँ ऑलरेडी मैं। तो चलो फिलहाल इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करूँगा। आज का जो भी दिन भर का रूटीन था आप लोग के साथ शेयर किया, उम्मीद करता हूँ आप लोग को पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा ताकि मेरे आने वाले व्लॉग्स कंटिन्यू आपको मिलते रहे। और प्रे करिएगा गाइस के पापा की तबीयत जल्दी ठीक हो जाए, बाकी आप लोग का तो प्यार है ही और आशीर्वाद भी है तो बनाए रखिएगा। तो चलो मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए ओके टाटा बाय, गुड नाइट, टेक केयर गाइस।